जी, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सरित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शैलोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जहां पर वो जनसंख्या को लेकर अपनी बात रख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे।